महामारी को लेकर सरकार द्वारा बच्चों के लिए घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई का प्रबंध किया गया है, लेकिन खराब नेटवर्किंग और बच्चों के लिए समस्याओं का अंबार बनी हुई है, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। जैसा कि विदित है कि कोरोना महामारी को लेकर ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प चुना गया था, लेकिन ऑनलाइन शिक्षण संकट मोचक साबित हो रहा है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खतरे के कारण स्कूलों में शिक्षण कार्य बंद कर दिए गए थे। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाने का जरिया अपनाया गया था। ऐसा ही एक मामला उड़ीसा के संबलपुर में देखने को मिला, जहां पर कमजोर नेटवर्क बच्चों के पढ़ाई पर असर डाल रहा है। उड़ीसा के संबलपुर जिले के एक गांव में छात्रों पर ये दिक्कत जान पर भारी पड़ रही है। यहां इन दिनों लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लास चलती है। मोबाइल नेटवर्क दुरुस्त नहीं होने पर छात्रों को 150 फुट की पानी की टंकी पर चढ़कर बैठकर पढ़ना पड़ता है, ताकि सिग्नल सही आए और ऑनलाइन पढ़ाई हो पाए। जान पर खेलकर उनको ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है। हर रोज छात्र पढ़ाई के लिए कुछ इसी तरह से ऊंची टंकी पर चढ़ते हैं और फिर काफ़ी संकरी जगह पर एक दूसरे से सटक कर बैठ जाते हैं। अब देखना होगा कि सरकार द्वारा इस ओर कोई ध्यान दिया जाता है या फिर बच्चे इसी तरह से जान जोखिम में डालकर अपनी पढ़ाई करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।